खरगोन जिले के कसरावत की कृषि उपज मंडी में दो दिवसीय चिली फेस्टिवल का शुभारंभ उद्यानिकी आयुक्त एम काली दुरई और कृषि मंत्री सचिन यादव ने किया। शुभारंभ के अवसर पर कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को विभिन्न जानकारी दी। देश में पहली बार किसी सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, पहली बार कलवरन। इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में कॉर्न फेस्टिवल आयोजित किया गया था, मक्के के लिए दो दिवसीय आयोजन हुआ और उसके बाद निवाड़ अंचल में पहली दफा मिर्ची के बारे में परिचर्चा और मेला आयोजित करने का काम किया जा रहा है। हमारे प्रदेश के कृषि के मंत्री आदरणीय सचिन यादव जी मंच पर आसीन, हमारे सभी लाडले विधायक साथीगण, आदरणीय देश के अन्नदाताओं को अन्य अन्य विभिन्न विभिन्न खेती किसानी के तरीके, बीज के बोने के तरीके, अलग अलग वैरायटियों के बारे में अनुसंधान करके उनको उसके बारे में जानकारी देती है। ऐसे हमारे वहां के साइंटिस्ट जो कृषि पर ही काम करते हैं, आदरणीय बल्ला सिंह जी, डॉक्टर नारायण जी, पिछले महीने यहां पर रहकर यहां पर कृषि की फसल को लेकर देश और विदेश में एक्सपोर्ट करता है, कृषि को एक नए परिप्रेक्ष्य के रूप में देखा जाता है और ऐसे तमाम प्रयास होता है, ऐसे तमाम नवाचार करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है जिसके माध्यम से आने वाले समय में हमारे मध्यप्रदेश का जो कृषि क्षेत्र है उस कृषि क्षेत्र की एक नई तस्वीर जो है आपके सामने आदरणीय साथियों दिखाई दे। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच है, उनका ये प्रयास है कि हमारा जो मध्यप्रदेश है, इस मध्यप्रदेश को पूरे देश में 2019-20 में काजू फसल को बढ़ावा देने के लिए बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा एवं सिवनी जिला में 1430 हेक्टर में पौधारोपण किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1,71,66,000 रुपये प्रावधान रखा गया है तथा उच्च तकनीकी पान की खेती 485 कृषकों के लिए रुपया लगभग 2,04,00,000 का प्रावधान रखा गई है। यहाँ पर लगातार जो है क्षेत्रवासियों की मांग आ रही है, वहाँ पर जो कृषि विषय कृषि के क्षेत्र में जो अगर शिक्षा उच्च शिक्षा ग्रहण करनी हो तो उनको उस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो एक कृषि कॉलेज की मांग जो है हमारे किसान साथियों ने कही है, आदरणीय अरुण यादव जी ने और तमाम साथियों ने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करी और उन्हें विश्वास दिलाया है कृषि की जो है दिशा में। देखिए ऐसा है कि ये पिछले 15 साल का कुशासन हमको विरासत में, एक बड़ी संख्या में जो पद पूर्व में भरे जाने चाहिए वो पद नहीं हुए। हमारी सरकार बनने के बाद हमने पहल करी है, हमने जो हमारे एडीए होते हैं उन एडीओं के पद भरने की हमने जो है हमने वैकेंसी हमने जारी करी है और मैं उन छात्रों से भी मिला था और उनको मैंने बैठकर भी हमने उनसे चर्चा भी करी, उनसे विचार विमर्श भी और मैंने उनसे कहा है कि ये जो आपकी मांग है बिल्कुल जायज़ मांग है, उसको हम लोग एक समय अवधि में जो है उसको पूरा करेंगे। कई जिलों में दूसरी फसलें ज्यादा उत्पादित होती है जैसे खरगोन में मिर्ची होती है, कपास होती है, तो ऐसे फेस्टिवल और दूसरे जिलों में आयोजित होंगे? निश्चित रूप से, देखिए अभी हमने इसकी शुरुआत छिंदवाड़ा से हमने करी थी जहाँ पर हमने कॉर्न फेस्टिवल का आयोजन हमने करा था, दूसरा यहाँ पर हमने खरगोन जिले में हम लोग चिली फेस्टिवल हम लोग करें
अगला हमारा टारगेट है कि हम लोग हमारे जो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है, बुरहानपुर जिला है, बुरहानपुर जिले में केले का बड़े पैमाने पर वहाँ उत्पादन होता है, तो केले के केला फेस्टिवल, बनाना फेस्टिवल हम लोग वहाँ पर आयोजित करेंगे और वहाँ पर भी तमाम जो हितधारक हैं उन सबको एकत्रित करके वहाँ के किसानों को जो है एक नई दिशा देने का काम हो रहा है। ये जो आयोजन हो रहा है इसके पीछे लक्ष्य उद्देश्य यही है कि हम हमारे कृषि का क्षेत्र, आज जो कृषि में माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि कृषि को एक नई दृष्टिकोण से हमको देखना पड़ेगा, और जब नए दृष्टिकोण की जब वो बात करते हैं तो हमारे किसानों की जब आय को हम बढ़ाने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जब तक हम लोग वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, जब तक हम लोग जो हमारा किसान साथी है उसकी उपज का सही बाज़ार हम लोग नहीं उपलब्ध कराएंगे, वहाँ पे उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो इंडस्ट्री से हों, चाहे प्रोसेसिंग से हों, चाहे एक्सपोर्टर्स हों, इस तमाम लोगों को जब हम लोग नहीं लेकर के आएंगे तो निश्चित रूप से यही हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है कि इस तरह के चीज़ें हों, और आने वाले समय में हम लोग का ये कोशिश प्रयास हो कि इस तरह के फसल आधारित जो है, कृषि आधारित उद्योग जो है पूरे प्रदेश में। यह गेढ़िया की जो मिर्च मंडी है वो 12 से 13 एकड़ में अभी नहीं बनी, देखिए तो सबसे बड़ी मिर्च मंडी दूसरे नंबर की मानी जाती है। खरगोन में नई मिर्च मंडी बनी वो 35 से 36 एकड़ है, क्या प्रयास करेंगे कि जिला मुख्यालय पर मिर्च मंडी और सारे व्यापारी हों? देखिए हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य है कि मेरे किसान को, मेरे अन्नदाता को अपनी उपज लेकर के ज़्यादा दूर सफर न करना पड़े, उसके लिए मंडी प्रांगण हो, उसके लिए मार्जिन की जो व्यवस्था हो उसकी बिल्कुल नज़दीकी हो, ऐसी व्यवस्थाएं जो है हम लोग पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में स्थापित करने का प्रयास। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।